कृषि मंत्री कमल पटेल ने मांधाता में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में जनसंपर्क रैली की। वे अपने चिर परिचित अंदाज में मोटरसाइकिल से जाकर जनता से मिले और इसके बाद भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया, भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में जनता के कार्य नहीं किए जाने पर कमलनाथ और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, नारायण पटेल के क्षेत्र में कमलनाथ कार्य नहीं कर रहे थे, इसलिए वे भाजपा में आए, अब इस क्षेत्र के सारे कार्य किए जाएंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि कांग्रेस के विधायकों को अब कांग्रेस और कमलनाथ पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए वहां से विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा की नीति और नियत सब स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती है। उन्होंने कहा, नारायण पटेल की सारी मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मान ली हैं। यहां एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, किसानों के फसलों का सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र में कहा है वो करेगी। उन्होंने कहा, उनकी सरकार ने संत सिंघाजी की समाधि को धार्मिक स्थल घोषित किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस से जनता और उनके विधायकों का विश्वास मिट गया है। उन्होंने कहा, भाजपा 28 सीटें उपचुनाव में जीतेगी। विधानसभा का संकल्प पत्र हमने, ये 28 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, सबके अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए। जो हम कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और मांधाता में नारायण पटेल जी कांग्रेस में 15 महीने विधायक रहे, जो काम नहीं कर पाए वो इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद जो मांग रखी इन्होंने वो सारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी चुनाव आचार संहिता के पहले, और वो पूरे होंगे। 52 गांव में ग्रामीण नल जल योजना प्रदान स्वीकृत की गई है ना। ग्राम पुनासा को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। संत सिंघाजी समाधि मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, और इसलिए इसका पूरे सर्वे कराकर और पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। सिपेज की जो है वो भी, जहाँ रास्ते नहीं है खेतों में जाने के, वो रास्ते बनाए जाएंगे। जहाँ नदी नाले हैं पुल पुलिया बनाई जाएंगी, सारे काम किए जाएंगे। ये हमने संकल्प पत्र दिया और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और कांधे के और अलग होते हैं, इसलिए कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया। जनता का क्या, विधायकों का विश्वास कांग्रेस पर उठ गया, मंत्रियों का विश्वास उठ गया, ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी राष्ट्रीय महासचिव थे उनका विश्वास उठ गया, और इसलिए अब कांग्रेस खत्म। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे केरी कच्ची रहती है, पक जाती है तो टपाटप टपकती है, ऐसे कांग्रेस के विधायक टपक रहे हैं। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। वो कहते थे, 4 धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी, और फिर सरकार बदल गई और तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को कुचला। जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।